यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दो दिन उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां पर बारिश की संभावना है, कहां पर बारिश को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं प्रदेश का तापमान, यानी कि प्रदेश के कौन से हिस्से में तापमान ज्यादा बना हुआ है और कहां पर तापमान कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अभी प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान जो है वो सामान्य रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश ना होने से अभी उमस और गर्मी का एहसास भी लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। कहां होगी बारिश ये जानते हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिलों में कुछ इलाकों में 29 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है तो कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत आसपास के इलाकों में मौसम खराब रह सकता है, यानी कि यहां पर बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति भी बन सकती है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से चक्रवाती तूफान गुलाब का असर जो है वो प्रदेश पर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान के कारण दो दिन तक तेज गर्मी और उमस का कहर जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस गुलाब तूफान से अभी आने वाले दिनों में उमस और गर्मी बनी रह सकती है। वहीं आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की माने तो तूफान गुलाब की रफ्तार अब उतनी नहीं है और इस उमस और गर्मी के बाद हल्की बारिश की संभावना हो सकती है। यानी कि गुलाब तूफान के कारण जो तेज गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी, तो उसके बाद जो है अभी हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। वही मौसम विभाग का कहना है कि तटीय इलाकों में टकराने से पहले जो गुलाब की रफ्तार थी वो अब नहीं है, यानी कि तटीय इलाकों में गुलाब कहर बरपा सकता था, लेकिन ये आशंका अब बिल्कुल भी नहीं जताई जा रही है। यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में गुलाब तूफान का असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि गुलाब का असर सूबे के कुछ ही इलाकों में हो सकता है। हालांकि प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मौसम में बदलाव आएगा और इसके चलते दो दिनों तक भीषण गर्मी और उमस का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि अधिकतर जिलों में उमस गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश के आसार भी मौसम विभाग ने कुछ कुछ जगह पर जताए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते अभी उत्तर प्रदेश में हल्की छिटपुट बारिश के आसार हैं, लेकिन तेज बारिश बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। क्या है मौसम विभाग का कहना, तो आपको बता दें कि गुलाब जो तूफान है वो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है। धीरे धीरे ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक कुछ जगह पर हल्की बरसात होगी। प्रदेश में कुछ जिलों में हल्की बरसात हो रही है, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आपको बता दें कि सोमवार को भी कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन अभी आपको बता दें कि तेज बारिश मौसम विभाग ने संभावना नहीं जताई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले कुछ दिनों तक यूपी में जो है हल्की छिटपुट बारिश का सिलसिला बरकरार रहेगा, यानी कि कुछ जगह पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं तो कहीं पर हल्की रिमझिम फुहारें पड़ सकती हैं। लेकिन मौसम विभाग के इस अनुमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि किसानों की फसलें खराब होने का डर ऐसे मौसम में बन रहा है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।